Hello kids, a very good morning to all of you. Here is your Ruchika ma'am. So kids, how are you all? I hope you all are fine, fit and cheerful. Very nice. Okay kids, you know very well how we will start our day. We start our day by worshipping our God, right? So for that, quickly stand up, join your hands and eyes should be closed. And we will start Namo Kar Mantra, okay? Namo Arihantaram, Namo Siddharam, Namo Ayariyaram, Namo Jayaram, Namo Loe Savisahuram, Eso Panchramo Karo Savipaupanasaro, Manglaram jasavesi paramam havai mangalam. Continue with Guru Mantra. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo, Maheshwara, Guru Sakshat, Parabrahma, Tasmai Shri, Guruve Namaha. Continue with Gayatri Mantra. Om Bhurbhuvasvaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yonam Prachodayam. Okay kids, open your eyes and slowly hands down. So kids, we feel relaxed. हमें बहुत अच्छा लगता है ना प्रेयर करके. ऐसे ही हमें रोज मॉर्निंग में एंड बिफोर गोइंग टू स्लीप हमें गॉड की प्रेयर करनी चाहिए. ओके ओके किड्स, नाउ टेल मी व्हाट इज द डेट टुडे. टुडे इज 10th दिसंबर 2020. टुडे इज 10th दिसंबर 2020. एंड व्हाट इज द डेट टुडे. Today is Thursday. Today is Thursday. So kids, you all have to remember date and day every day. Hai na, hame roz day to day yaad rakhni chahiye. Okay kids, now ma'am ne aapko A to Z sikhaya hai na. Humne A to Z ki formation mein bahut acche se aa gayi. Aur hum ghar pe practice kar rahe hain uski. Very nice kids. Okay, आज हम वापस A to Z लिखेंगे, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ. आज हम A to Z लिखेंगे सिंगल डॉट पे. ओके किड्स, पहले हम डॉट्स पे लिखते थे ना, लेकिन आपको A to Z तो लिखना बहुत अच्छे से आ गया. आप लोग तो गुड गुड बेबीज बन गए. तो अब हम लिखेंगे A to Z सिंगल डॉट पे. ओके किड्स, और कैसे लिखना है हमें, बहुत ब्यूटीफुली, बहुत सुंदर सुंदर. आपको स्टार चाहिए ना नोटबुक में. मैम जब आप नोटबुक्स भेजते हैं, मैम आपको स्टार देती है ना, अच्छा लगता है ना हमें. इसके लिए हमें बहुत ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग में लिखना है. चलिए किड्स, टेक आउट योर इंग्लिश नोटबुक्स, पेंसिल एंड रेजर्स, क्विकली क्विकली, जल्दी से निकालेंगे. अपने इंग्लिश नोटबुक, पेंसिल एंड रेजर. यस किड्स, जल्दी से निकालेंगे. ओके किड्स, आर यू ऑल रेडी? वेरी गुड. ओके नाउ किड्स, लुक, यहाँ हमारी कौन सी नोटबुक होती है, इंग्लिश की. नाउ लुक, हमारी नोटबुक में ऐसे सिंगल सिंगल डॉट्स बने हुए हैं ना, एंड हमें लेटर जो होता है वो ओनली थ्री लाइंस तक लिखना होता है. थ्री लाइन के नीचे, थर्ड लाइन के नीचे हमें नहीं जाना होता है. ओके किड्स, और स्पीक एंड राइट करेंगे, बहुत सुंदर सुंदर लिखेंगे. चलिए शेल्वी स्टार्ट. ओके किड्स, सो अवर फर्स्ट लेटर इज ए. ओके, चलिए मैम के साथ साथ लिखेंगे. फर्स्ट डॉट पे पेंसिल रखेंगे अपनी. Come down by making a slant line. Again, put a pencil on first dot. Come down by making slant line. Then put your pencil here and then draw a short
sleeping line like this. Which letter is this? A. 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 Now kids, what comes after A? B. Okay? अब बी हम कैसे बनाएंगे? बहुत ब्यूटीफुली अच्छे से बनाएंगे एंड थर्ड लाइन के बाहर नहीं जाना है. पुट योर पेंसिल ऑन द फर्स्ट डॉट, ड्रॉ अ स्टैंडिंग लाइन. वेरी गुड. नाउ अगेन पुट योर पेंसिल ऑन द फर्स्ट डॉट एंड ड्रॉ अ राइट हाफ कर्व. अगेन ड्रॉ अ हाफ कर्व टिल थर्ड लाइन. व्हिच लेटर इज दिस? बी. B, 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 B. इसकी फोनिक साउंड हमें याद रखनी है बेटा, है ना? ओके. A, B. What comes after B? C. Now put your pencil on the first dot and draw a left curve till third line. Which letter is this? C. C, K. C, K. ओके. फोनिक साउंड्स बोल रहे हैं ना हम साथ साथ में. वेरी गुड. ए बी सी. व्हाट कम्स आफ्टर सी? डी. वेरी गुड. नाउ अगेन पुट योर पेंसिल ऑन द फर्स्ट डॉट, ड्रॉ अ स्टैंडिंग लाइन टिल थर्ड लाइन. हमें थर्ड लाइन के बाहर नहीं जाना है. अगेन पुट योर पेंसिल ऑन द फर्स्ट डॉट and draw a right curve till third line. Which letter is this? D. 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 Okay kids, now ma'am first line हमारी complete हो गई. चलिए ma'am के साथ बोलेंगे. A. 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 B. 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 C. C. C, K. D, D. D, D. Okay kids, चलिए अब हम next line लिखेंगे and जहां पे आपके dots बने हुए ना वहीं पे लिखना है हमें. Okay, now what comes after D? E. Now put your pencil on the dot, draw a standing line till third line like this. Again put your pencil on the dot and draw a short sleeping line. Now put your pencil in the middle of the line and draw a short sleeping line. Okay, now kids, ये वाली जो line है हमें छोटी सी बनानी है. Okay, now again kids, put your pencil on the third line and draw a short sleeping line. Which letter is this? E. 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 Now kids, what comes after E? F. Now, बहुत अच्छे से beautifully बना रहे हैं आप सब. We all have to speak and write. Put your pencil on the dot. Draw a standing line. Now kids, again put your pencil on the dot and draw a short sleeping line. Again, put your pencil on the second line and draw a short sleeping line. Which letter is this? F. 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 Okay. Now E. F. What comes after F? G. Okay, kids. For G, first of all, you have to make C. हमें सी बनाना है लेफ्ट कर्व लेके लाइक दिस. ओके, देन यू हैव टू गो अप टिल सेकेंड लाइन एंड देन गो अ लिटिल इनसाइड, कम आउट एंड मेक अ शॉर्ट स्टैंडिंग लाइन टिल थर्ड लाइन. व्हिच लेटर इज दिस? जी. जी. ग. जी. ग. ई. एफ. जी. Now, what comes after G? H. Again, put your pencil on the dot. Come down by making a standing line. Then, isse thoda sa door hum, wapis se standing line banayenge till third line.
Now put your pencil in the middle of the line and draw a short sleeping line. Very good. Which letter is this? H. 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 Okay, kids. चलिए मैम के साथ बोलेंगे ई एफ एफ फ जी ग एच ह. ओके किड्स, हमारी टू लाइंस कंप्लीट हो गई सबकी. जल्दी से मैम को दिखाएंगे स्क्रीन पे. यस किड्स, जल्दी से दिखाएंगे मैम को. Very good kids, बहुत beautiful लिख रहे हैं आप तो. चलिए next लिखेंगे. Our next line is H के बाद what comes after H? I. चलिए I कैसे बनाएंगे kids? Put your pencil on the dot and draw a short sleeping line. Okay kids? Now you have to put pencil in the middle of the line and come down by making a standing line. Okay kids? Now again, put your pencil on the third line and draw a short sleeping line. Which letter is this? I. I. E. I. E. Now kids, what comes after I? J. Again, put your pencil on the dot. Draw a short sleeping line. Now kids, put your pencil in the middle of the sleeping line and come down, but you don't need to touch the third line. Third line hame touch nahi karni hai, and then go up by making a curve till second line. Which letter is this? J. 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 I, J, what comes after J? K. Okay kids, speak and write. Put your pencil on the dot. Draw a standing line. Now put your pencil in the middle of the line and go up by making a short slant line. Again put your pencil in the middle of the line and come down by making a short slant line. Which letter is this? K. 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 Now I, J, K. What comes after K? L. Now put your pencil on the dot and draw a standing line. Now put your pencil here and draw a short sleeping line. Which letter is this? L. L, 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 L. Okay kids, so हमारी third line भी complete हो गई. चलिए मैम के साथ बोलेंगे I, E, I, E, J, 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 K, 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 L, 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 L. Okay kids, now what comes after L? M. Very good. Now put your pencil on the dot and draw a standing line. Again put your pencil on the dot and come down by making a slant line. Now put your pencil here and then go up by making a slant line. Again put your pencil here and come down by making a standing line. Which letter is this? M. 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 Okay kids, now what comes after M? N. Now put your pencil on the dot. Are you all making kids? Hame bol bol ke likhna hai. Speak and write a bahut beautiful likhna hai. Put your pencil on the dot and draw a standing line. Again, put your pencil on the dot and draw a slant line. अब जहां पे हमने slant line end किए ना, वहां पे pencil रखनी है and then go up by making a standing line. Which letter is this? N. 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 Okay. Now M, N, what comes after N?
ओ अच्छा, ओ कैसे बनेगा? ओ बनता है गोल गोल, राइट किड्स? तो फर्स्ट ऑफ ऑल पुट योर पेंसिल ऑन द डॉट, ड्रॉ अ सी। सी बनाना है हमें और वापस इसको बंद कर देना है। विच लेटर इज दिस? ओ ओ ओ ओ एम एन ओ, व्हाट कम्स आफ्टर ओ? पी। नाउ हाउ वी विल मेक पी? पुट योर पेंसिल ऑन द डॉट एंड ड्रॉ अ स्टैंडिंग लाइन। अच्छा आप देख रहे हैं ना, थर्ड लाइन के कोई भी बाहर नहीं जा रहा मैम का लेटर। ऐसे ही थर्ड लाइन के बाहर हमें नहीं जाना है। ओके, हमने स्टैंडिंग लाइन बना ली। अगेन पुट योर पेंसिल ऑन द डॉट एंड ड्रॉ लेफ्ट राइट हाफ कर्व टिल सेकेंड लाइन। ओके किड्स, विच लेटर इज दिस? पी। पी पी प। ओके नाउ फोर्थ लाइन ऑल्सो कंप्लीटेड। मैम के साथ बोलेंगे एम म एन न ओ पी प। ओके नाउ व्हाट कम्स आफ्टर पी? क्यू। ओके किड्स, नाउ फॉर क्यू फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक ओ। ओके ओ हम कैसे बनाएंगे? सी बना के इसको बंद कर देंगे लाइक दिस। एंड देन हमें यहाँ पे अपनी पेंसिल रखनी है थर्ड लाइन के जस्ट ऊपर, और इसकी टेल बना के हमें थर्ड लाइन पे लानी है। सेकेंड लाइन को हमें टच नहीं करना है। विच लेटर इज दिस? क्यू। क्यू क्व। क्यू क्व। ओके किड्स, नाउ व्हाट कम्स आफ्टर क्यू? आर। हाउ वी विल मेक आर? पुट योर पेंसिल ऑन द डॉट एंड कम डाउन बाय मेकिंग अ स्टैंडिंग लाइन। अगेन पुट योर पेंसिल ऑन द डॉट एंड ड्रॉ अ राइट हाफ कर्व। पी बन गया ना हमारा ये। अब हमें सेकेंड लाइन पे पेंसिल रखनी है एंड ड्रॉ अ शॉर्ट स्लांट लाइन लाइक दिस। विच लेटर इज दिस? आर। आर र। आर र। क्यू आर। नाउ हाउ वी विल मेक एस? चलिए फॉर एस पुट योर पेंसिल ऑन द डॉट एंड ड्रॉ लेफ्ट हाफ कर्व टिल सेकेंड लाइन। एंड देन हमें इसी को ही गोल घुमा के राइट कर्व ले जाके यहां तक छोड़ देना है। सेकेंड लाइन तक टच नहीं करना है, इसको हमें ऊपर नहीं ले जाना है, यहीं तक छोड़ देना है। ओके किड्स, एस स एस स। ओके क्यू आर एस, व्हाट कम्स आफ्टर एस? टी। हाउ वी विल मेक टी? पुट योर पेंसिल ऑन द डॉट एंड ड्रॉ अ शॉर्ट स्लीपिंग लाइन। ओके डन किड्स, नाउ पुट योर पेंसिल इन द मिडिल ऑफ द लाइन एंड कम डाउन बाय मेकिंग अ स्टैंडिंग लाइन। वेरी सिंपल, विच लेटर इज दिस? टी। टी ट। ओके किड्स, चलिए हमारी फिफ्थ लाइन भी कंप्लीट हो गई। मैम के साथ बोलेंगे क्यू क्व। क्यू क्व। आर र। आर र। एस स। एस स। टी ट। टी ट। ओके किड्स, नाउ व्हाट कम्स आफ्टर टी? यू। वेरी गुड। ओके किड्स, सो फॉर मेकिंग यू पुट योर पेंसिल ऑन द डॉट, नाउ मेक अ स्टैंडिंग लाइन लाइक दिस एंड यू हैव टू मेक कर्व एंड देन अगेन गो अप बाय मेकिंग अ स्टैंडिंग लाइन। विच लेटर इज दिस? यू। यू अ। यू अ। Now kids, what comes after U? V. Okay, so for V, put your pencil on the dot and draw a slant line till third line. Third line के बाहर हमें नहीं जाना है. Now again, put your pencil here and then go up by making a slant line. Which letter is this? V. V. V.
we were. Now you, we, what comes after we? W. Okay, now how we'll make W? Put your pencil on the dot and draw a standing line like this. Okay, kids? Okay, now put your pencil on the dot and draw a standing line. Okay, now, okay, kids, now put your pen, hum kaise likhenge? Standing line banate hain, huh? No, put your pencil on the dot and draw a slant line. Okay, kids, now put your pencil here and go up by making another slant line. Achha, ye kaun sa letter ban gaya? V. Okay, kids, now put your pencil here, again go slant till third line and then go up by making a slant line. Which letter is this? W. W, 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 W. Okay, kids, U, V, W, what comes after W? X. Okay, so for X, put your pencil on the dot and draw a slant line. Okay, kids? Now, first line pe hume thoda sa door yahan pe pencil rakhni hai. Again, go slant till third line. Which letter is this? X. X. X ki sound kaise aati hai? X. Okay? Now, chaliye hamari sixth line ma'am ke saath repeat karenge. U, A. V, V, W, W, X, X. Okay, kids, now U, V, W, X, what comes after X? Y. Okay, kids? Okay, now put your pencil on the dot. Achha, dot pe hume yahan pe pencil nahi lagani hai. Thoda sa dur rakke hum slant line banayenge. And then dot se hum short slant line second line tak banayenge. Which letter is this? Y. Y, Y. Y, Y. Now kids, last letter. What comes after Y? Z. Now put your pencil on the dot and draw a short sleeping line. Now put your pencil here and go slant line. Okay, kids, third line tak hi banana hai. Third line ke bahar nahi jana hai. And then put your pencil here and draw a short sleeping line. Which letter is this? Z. Z, Z. Z, Z. Okay, kids, have you all completed? Show me on the screen quickly. Yes, jaldi se dikhayenge ma'am ko. Quick, quick. Okay, kids, very good. Chaliye, ma'am ke saath ab jaldi se repeat kare hum. You all have to speak. Ma'am, dekh rahi hai, kaun sun raha hai? Okay. A, A. B, B. C, C. D, D. E, E. F, F. G, G. H, H. I, E. J, J. K, K. L, L. M, M. N, N. O, O. P, P. Q, Q. R, R. S, S. T, T. U, A. V, V. W, W. X, Y, Y. Z, Z. Okay, kids.
सो हमने क्या लिखा आज? ए टू जेड. ओके किड्स, ए टू जेड. सो हमने आज देखा ना, हमने ए टू जेड कैसे लिखा? सिंगल डॉट पे. ऐसे ही हमें घर पे भी प्रैक्टिस करनी है सिंगल डॉट पे, और इनको फोनिक में भी बोलना है. ओके किड्स, सो चलिए किड्स, नाउ क्लोज योर इंग्लिश नोटबुक्स. अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट करेंगे अब हम करेंगे हिंदी सब्जेक्ट. ओके किड्स, ओके, तो फॉर दैट टेक आउट योर हिंदी नोटबुक्स. जल्दी से हिंदी नोटबुक्स निकालेंगे अपनी क्विकली. यस किड्स, जल्दी निकालिए अपने सबने हिंदी की नोटबुक्स. आर यू ऑल रेडी? ओके, नाउ हमने उस दिन कौन से अक्षर लिखे थे? अ से. ओके, आज हम वापस लिखेंगे. तो आप लोगों की सबकी ऐसी 3 लाइंस की नोटबुक होती है ना, हमें थर्ड लाइन के बाहर नहीं जाना है और बहुत ब्यूटीफुली लिखना है. ओके किड्स, तो हमारा पहला अक्षर कौन सा होता है हिंदी में? अ. अ कैसे बनाएंगे किड्स? हम फर्स्ट डॉट पे पेंसिल रखेंगे एंड राइट कर्व बनाएंगे सेकेंड लाइन तक. ओके किड्स, सेकेंड डॉट पे पेंसिल रखेंगे एंड देन थर्ड डॉट तक आएंगे. देन गो अप, ऊपर जाएंगे. राइट किड्स, देन मिडिल लाइन पे डॉट पे पेंसिल रखेंगे एंड देन शॉर्ट स्लीपिंग लाइन बनाएंगे ऊपर से स्टैंडिंग लाइन. कौन सा अक्षर है ये? अ. अ अनार. कौन सा अक्षर है? अ. ओके किड्स, अब हम स्टैंडिंग लाइन के ऊपर एक छोटी सी स्लीपिंग लाइन लगाएंगे. नाउ अ के बाद क्या होता है? आ. ओके किड्स, चलिए मैम के साथ बनाएंगे. पहले अ बनाएंगे. पुट योर पेंसिल, डॉट डॉट पे पेंसिल रखेंगे एंड राइट कर्व बनाएंगे. वापस नीचे आएंगे राइट कर्व बना के और इसको ऊपर ले जाएंगे. ओके किड्स, नाउ बीच में पेंसिल रखेंगे एंड छोटी सी स्लीपिंग लाइन बनाएंगे लाइक दिस एंड देन स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे. अच्छा, ये क्या बन गया? अनार. अब अनार से आम कैसे बनेगा? इसके जस्ट थोड़ी सी बार एक और स्टैंडिंग लाइन लगा देंगे राइट किड्स, और वापस से इसके ऊपर एक छोटी सी स्लीपिंग लाइन लगा देंगे. ये कौन सा अक्षर है? आ आम. आ अनार. आ आम. बोल बोल के लिखना है किड्स आपको. आम के बाद ई इमली. अच्छा, ई इमली कैसे बनती है किड्स? पेंसिल रखेंगे अपनी फर्स्ट डॉट पे और छोटी सी स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे सेकेंड डॉट तक. देन लेफ्ट कर्व बना के ऐसे सेकेंड लाइन तक लेफ्ट कर्व बनाएंगे एंड देन नीचे आएंगे थर्ड डॉट पर उसकी छोटी सी टेल निकाल देंगे और ऊपर छोटी सी स्लीपिंग लाइन लगा देंगे. ये कौन सा अक्षर है? ई. ई इमली. ई इमली. ओके किड्स, अ अनार. आ आम. ई इमली. ई इमली के बाद ई ईख. ओके किड्स, अब हम ई ईख कैसे बनाएंगे? उसके लिए पहले हमें ई बनाना पड़ेगा छोटा ई. तो चलिए पेंसिल रखेंगे फर्स्ट डॉट पे और छोटी सी स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे. ओके किड्स, वापस से लेफ्ट कर्व बनाएंगे सेकेंड लाइन तक. राइट कर्व बनाते हुए नीचे आएंगे और इसकी छोटी सी टेल निकाल देंगे. ओके किड्स, अब हम इसका ऊपर से लेफ्ट की तरफ कैप बना देंगे और छोटी सी स्लीपिंग लाइन बना देंगे. ये कौन सा अक्षर है? ई. ओके किड्स, ई. ई ईक.
ओके नाउ हमने उस दिन ये अक्षर किए थे ना, अनार, आम, इमली, ईख। आज हम न्यू अक्षर सीखेंगे। ईख के बाद क्या आता है? उल्लू। चलिए बहुत अच्छे से देखेंगे किड्स, उल्लू कैसे बनेगा। मैम के साथ साथ बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पेंसिल रखेंगे फर्स्ट डॉट पे, एंड देन राइट कर्व बनाएंगे सेकेंड लाइन तक। वापस से सेकेंड डॉट पे पेंसिल रखेंगे, राइट कर्व बनाते हुए ऊपर आ जाएंगे। हम अ बनाते हैं ना ऐसे, बस ये इसके ऊपर छोटी सी स्लीपिंग लाइन। ये कौन सा अक्षर है? उ, उ उल्लू। ओके किड्स, उल्लू के बाद ऊन। ऊन कैसे बनेगा? उसके लिए भी हमें पहले छोटा ऊ बनाना पड़ेगा। तो पहले पेंसिल रखेंगे और फिर राइट कर्व, वापस से थर्ड लाइन तक राइट कर्व, ऊपर जाएंगे डॉट तक। अब हमें इसमें क्या करना है, बीच में यहाँ पे पेंसिल रखना है और थोड़ा सा ऊपर में लेते हुए थर्ड लाइन तक स्टैंडिंग लाइन बनानी है और इसमें छोटी सी स्लीपिंग लाइन। ये कौन सा अक्षर है? ऊन, ऊन। ओके किड्स, उल्लू, के बाद री ऋषि। अब किड्स इसको बहुत अच्छे से देखेंगे और मैम के साथ साथ बनाएंगे। चलिए पहले पेंसिल रखेंगे डॉट पे, नीचे आएंगे स्टैंडिंग लाइन बनाते हुए। अब किड्स बीच में पेंसिल रखनी है हमें, एंड देन ऊपर की तरफ थोड़ा स्लांट जाते हुए गोल घुमाते हुए सेकेंड लाइन तक आ जाएंगे लाइक दिस। वापस से बीच में सेकेंड लाइन पे पेंसिल रखेंगे एंड देन गो स्लांट, हमें स्लांट आ जाना है नीचे राइट किड्स। अब हमें राइट की तरफ सेकेंड लाइन पे पेंसिल रखनी है, थोड़ा सा ऊपर जाना है, नॉट बनाते हुए टच करते हुए यहां से इसका कर्व बना देना है। ये कौन सा अक्षर है? री, री ऋषि, री ऋषि। ओके किड्स, चलिए वापस से लिखेंगे उल्लू। अच्छा इसके ऊपर हमें छोटी सी स्लीपिंग लाइन बनानी है। ओके चलिए उल्लू वापस लिखेंगे, फर्स्ट डॉट पे पेंसिल रखेंगे, राइट कर्व बनाएंगे, वापस से नीचे आएंगे राइट कर्व बनाते हुए इसको ऊपर ले जाएंगे और ऊपर से छोटी सी स्लीपिंग लाइन। ये कौन सा अक्षर है? उल्लू, उल्लू। ओके किड्स, अब उल्लू के बाद कौन सा अक्षर आता है? ऊन। चलिए ऊन कैसे बनाएंगे? फर्स्ट डॉट पे पेंसिल रखेंगे, राइट कर्व बनाएंगे सेकेंड लाइन तक। ओके किड्स, अच्छा अच्छा बना रहे हैं सब सुंदर सुंदर। वापस से सेकेंड लाइन पे पेंसिल रखेंगे और थर्ड लाइन तक आएंगे राइट कर्व बनाते हुए। ओके एंड देन गो अप ऐसे डॉट तक ऊपर ले जाएंगे। अब वो बनाने के लिए हमें सेकेंड लाइन पे पेंसिल रखनी है ना, ऊपर जाना है थोड़ा सा कर्व लेके और इसको नीचे लेके आएंगे थर्ड लाइन तक। ऊपर हम छोटी सी स्लीपिंग लाइन बना देंगे। ये कौन सा अक्षर है? ऊन। ओके किड्स, उल्लू, ऊन के बाद री ऋषि। ओके नाउ किड्स, री ऋषि के लिए पेंसिल रखेंगे, एक स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे। नाउ मिडिल लाइन पे पेंसिल रखेंगे। सब कर रहे हैं मैम के साथ साथ, बहुत ब्यूटीफुल, वेरी गुड। सेकेंड लाइन पे पेंसिल रखेंगे, ऊपर की तरफ थोड़ा सा स्लांट में जाएंगे ऐसे, इसको गोल घुमाते हुए सेकेंड लाइन पे आ जाएंगे। ओके किड्स, वापस से सेकेंड लाइन पे पेंसिल रखेंगे और थर्ड लाइन तक आएंगे स्लांट बनाते हुए। ओके नाउ राइट की तरफ छोटी सी स्लीपिंग लाइन बनाते हुए ऊपर जाएंगे, नॉट बनाएंगे, एंड देन इसको कर्व बना के थर्ड लाइन तक और उसके ऊपर छोटी सी स्लीपिंग लाइन बना देंगे। ये कौन सा अक्षर है? री। कौन सा अक्षर है? री। चलिए अब थर्ड लाइन अच्छे से लिखेंगे। कैसे
क्या बनाएंगे हम? उल्लू. ओके किड्स, चलिए फर्स्ट डॉट पे पेंसिल रखेंगे, राइट कर्व बनाएंगे सेकेंड लाइन तक, वापस से राइट कर्व बनाते हुए ऊपर डॉट पे ले जाएंगे और इसकी छोटी सी स्लीपिंग लाइन बना देंगे. ओके किड्स, ये कौन सा अक्षर है? उल्लू. उल्लू. नाउ उल्लू के बाद ऊन. ऊन के लिए पहले हमें छोटा ऊ बनाना होता है ना. चलिए फर्स्ट डॉट पे पेंसिल रखेंगे, सेकेंड डॉट तक आएंगे राइट कर्व बना के, वापस से थर्ड लाइन तक आएंगे राइट कर्व बना के इसको ऊपर ले जाएंगे. ठीक है, ये कौन सा अक्षर है? छोटा ऊ. बड़ा ऊ बनाने के लिए हम सेकेंड लाइन पे पेंसिल रखेंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे और इसको टर्न करके नीचे लेके आएंगे और छोटी सी स्लीपिंग लाइन बना देंगे उल्लू के बाद ऊन. अच्छा, ऊन के बाद क्या आता है? री ऋषि. ओके किड्स, री ऋषि बनाने के लिए पेंसिल रखेंगे डॉट पे, नीचे आएंगे स्टैंडिंग लाइन. अब मिडिल लाइन पे पेंसिल रखनी है, ऊपर की तरफ थोड़ा सा स्लांट लेते हुए कर्व लेते हुए सेकेंड लाइन पे आ जाना है. नाउ सेकेंड लाइन पे रखनी है पेंसिल, नीचे आना है स्लांट लेते हुए. अब राइट में थोड़ा सा ऊपर ले जाके इसकी नॉट बनाएंगे, टच करके कर्व बनाते हुए थर्ड लाइन पे टच करना है और ऊपर छोटी सी स्लीपिंग लाइन बनानी है. ओके किड्स, ये कौन सा अक्षर है? री ऋषि. ओके, चलिए मैम के साथ रिवाइज करेंगे जल्दी से. अनार, अनार, आम, आम, इमली, इमली, ई, ई, उल्लू, उल्लू, ऊन, री ऋषि. ओके किड्स, हमने 3-3 टाइम्स लिखा है ना, हमें घर पे और भी प्रैक्टिस करनी है. चलिए जल्दी से मैम को दिखाएंगे स्क्रीन पे. शो मी ऑन द स्क्रीन. यस किड्स, जल्दी से क्विकली क्विकली मैम को दिखाइए. वेरी गुड किड्स, बहुत ब्यूटीफुल लिखा है आप लोगों ने. वेरी गुड, क्लैप फॉर योरसेल्फ. ओके, ऐसे हमें घर पे प्रैक्टिस करनी है. आज हमने ए टू जेड सीखा और ऊ से री तक बनाना सीखा. ऐसे हमें घर पे बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, राइट किड्स? अच्छा, ये हमारी कौन सी क्लासेस चल रही है? लाइव क्लासेस. आप अपनी रिकॉर्डेड क्लासेस अपने व्हाट्सएप के ग्रुप पे जो लिंक शेयर्ड है उस पे भी देख सकते हैं और YouTube चैनल पे भी देख सकते हैं. और आपको अपने YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी करना है फॉर रेगुलर अपडेट्स. ओके किड्स, सो हमें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और गुड गुड बेबीज बनना है, राइट? टिल देन, बाय बाय, टेक केयर.